हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, मैं यहाँ पर मटर स्टोर करने के लिए छील रही हूँ और साथ में लाडो भी है यहाँ पर। ये देखिए, इनकी मस्ती चालू है फ्रेंड्स। बाकी के मटर हम इसी तरह से छील लेंगे फटाफट से। और आप लोग को किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करूँगी पूरा करने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जिस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए। और प्लीज़ फ्रेंड, जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, मैं काफ़ी सारा मटर यहाँ पर छील ली हूँ और इसी तरह से और भी जो बचे हुए हैं फटाफट से हम छिलके निकाल लेंगे। मैं यहाँ छिलने में लगी हूँ और लाडो साथ में बैठ के खाने में लगी हैं और अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरी मटर तो यहाँ पर सब मटर छिल गया है, ये देखिए कुछ इतना हुआ है, ये करीबन 3 पाव है। अब हम थैली में गांठ लगाएंगे। ये देखिए कैसे लगाना है, इसको बरोबर आप लोग देख लीजिए क्योंकि यही इसका मेन होता है। और हमें हमेशा इसी तरह से गांठ लगाना है, जब भी हम यूज़ करने के लिए निकाल रहे हैं, निकालने के बाद वापस से हमें इसी तरह से गांठ लगाना है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको स्टोर करने चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ। और भी मैं यहाँ पर स्टोर की हुई हूँ, ये देखिए पहले से, और मैं इसमें से ही बनाती हूँ। आज मैं ये नया स्टोर करके रख रही हूँ और मेरे फ्रिज में करीबन ये 1.5 किलो से ज़्यादा है मटर का दाना। और ये देखिए, ये मैंने पहले से रखा हुआ है और कुछ इस तरह से हुआ है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें थोड़े थोड़े से बर्फ़ भी हो गए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो मैं आपको बस दिखाने के लिए कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाली थी। वापस से इसको हम स्टोर कर देंगे इस तरह से, और आप भी इस तरह से स्टोर करेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होंगे मटर। और जब भी हमें लगेगा बनाना है, यूज़ करना है, तो हम निकाल करके आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम हरी मटर को महीनों तक, महीनों क्या सालों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी बिना बॉयल किए। बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो जीप लॉक बैग आता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल पॉलिथीन रहती है हमारे घर में, हम इससे ही, इसमें ही रख कर स्टोर कर सकते हैं आसानी से। बस उसमें गांठ अच्छे से लगाना है कि उसमें पानी ना जाए बिल्कुल भी, जो कि बर्फ़ का पानी होता है, बिल्कुल ना जाए, सही से गांठ लगाना है बस हमें। और पके हुए मटर हम महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर हमें सालों तक मटर स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हमें कच्चा मटर लेना पड़ेगा, जो कि पेंसिल मटर आती है, जो लंबी वाली रहती है भाजी का, वो भी कच्चा मटर जो एकदम हरे दाने निकलते हैं बिल्कुल छोटे छोटे एकदम मीठे वाले, वैसा अगर हम मटर स्टोर करेंगे तो वो साल क्या 2 साल भी ख़राब नहीं होने वाला है। बस ऐसे ही छील कर हमें रख देना है और अच्छे से गांठ बांधकर। और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही स्टोर करती हूँ मटर को, और मैं सालों तक नहीं रखती हूँ, मैं महीना, 2 महीना 3 महीना चल जाता है आराम से। मैं बस इतने टाइम के लिए स्टोर करती हूँ। और अगर आपको साल तक स्टोर करना है, 1.5 साल तक, तो पेंसिल वाली मटर लीजिए, जो कि एकदम कच्चे दाने के आते हैं। वो मार्केट में थोड़े से जो ये पके हुए मटर है, इससे 2-4 रुपये महंगे मिलेंगे, बस इतना ही है। मटर निकालते टाइम थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हमें ज़्यादा टाइम फ्रीज़र से बाहर नहीं रखना है, फ्रीज़र से निकालना है, तुरंत मटर निकाल लेना है जितना हमें यूज़ करना है, उसके बाद तुरंत फिर से स्टोर कर देना है फ्रीज़र में। फिर स्टोर करके उसको ऐसे ही रख दें, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। कभी भी जो फ्रोजन मटर आता है, हम लोग लाते हैं मार्केट से, उसको देखो हम तुरंत बनाएंगे या फ्रीज़र में रखेंगे तभी सही रहता है, और अगर ऐसे रख देंगे तो ख़राब हो जाता है। इसके लिए जैसे ही हमें लगता है हमें यूज़ करना है, हम निकालेंगे वापस से तुरंत स्टोर कर देंगे, बस हमें इतना ध्यान देना है। और जब निकालेंगे वो मटर क्या थोड़ा सा कड़ा रहता है, पानी में डालेंगे तो नरम हो जाएगा, उसके बाद हम बना लेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग के लिए ज़रा भी ये वीडियो अच्छा रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी रिक्वेस्टेड वीडियो रहेगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।